खबर बलिया जनपद से जारसड़ा विकास खंड क्षेत्र के प्रधानपुर गांव में कोटेदार के वितरण को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सप्लाई इंस्पेक्टर और कोटेदार की मिलभगत से यह अनियमित कार्य हो रहे हैं, जिसमें कोटेदार द्वारा अंगूठा लगाकर दो महीने का राशन नहीं दिया गया और राशन किसी किसी को मिला भी तो मानक से 3 से 4 किलो कम राशन दिया गया। इस मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर से जब हमारी न्यूज टीम ने बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि गोलमोल घुमाकर कार्यवाही के सवाल पर वह बसते नजर आए। वह अभी नहीं बता पाए कि क्या उनकी जांच में अनियमितता पाई गई है, अगर पाई गई है तो क्या कार्रवाई हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीणों का आरोप कहीं न कहीं सत्य है। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नंदलाल गुप्ता प्रधानपुर। क्या समस्या आप लोगों को जो घेराव? समस्या है कि आगे महीना का जो राशन जनता को नहीं मिली है और फिर दोबारा अंगूठा लगाया जा रहा है। हाँ, कितने महीने से राशन नहीं मिल रही? 2 महीने का राशन जो है उधर से नहीं मिल रहा है तो जो है अंगूठा जो है अभी जो है दोबारा लगा रहे हैं, इसीलिए घेराव किया है जनता। राशन कम भी मिलता है? राशन 4 kg कम भी मिलता है, 3 kg 4 kg 30 किलो में 3 किलो 4 किलो कम हो जाता है। सर अपना परिचय बता दें। हम सप्लाई इंस्पेक्टर संतोष कुमार यादव बलिया रसड़ा में तैनात हैं। पिछले दिन प्रधानपुर में राशन वितरण को लेकर काफी बवाल हुआ था सर, उसमें आपकी उपस्थिति रही, क्या कोटेदार पर कार्रवाई हुई थी? मौके पर कार्ड धारकों को राशन दिलवा दिया गया था नियमानुसार और कोटे की जाँच करके रिपोर्ट DM साहब के यहाँ भेजी गयी है। क्या कार्रवाई हुई है सर? ग्रामीणों का कुछ आरोप है कि उसमें इंस्पेक्टर साहब भी शामिल है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? 2 महीने हमारे द्वारा रिपोर्ट 3 kg 4 kg कम मिलता है हमेशा, क्या सर ऐसा राशन उस दिन सबको पूरा मिला था। रिपोर्ट मेरा काम रिपोर्ट देना, निर्णय लेना उच्च अधिकारियों का कार्य। रिपोर्ट में क्या? अभी रिपोर्ट सर क्या अभी अभी आई नहीं, आदेश अभी आया नहीं है। आपने जो भी उच्च अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया था लिया जाएगा। आपके तरफ से कमियां पाई गई जांच में? जांच की कमी है कि दिसंबर में अंगूठा लगवा के राशन उन्होंने 10 दिन लेट दिया है लोगों को। राशन तो कहना है कि 2 महीने तक राशन नहीं दिया गया अंगूठा लगा। हर बार लीजिए 10 दिन बाद आप कह रहे हैं वो न उतरे सको लोग को नहीं मिलता। ये राशन तो मिलेगा ही, पास से राशन वितरण हो रहा है, राशन तो कोटेदार को देना ही पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि उस विभाग की मिली भगत है तभी। नहीं नहीं, विभाग कोई मिली भगत नहीं, जहाँ भी शिकायत होती तुरंत कार्रवाई की जाती है, एकदम नियमानुसार कार्रवाई होगी। नियमानुसार है क्या कि अंगूठा लगाकर 10 दिन बाद 1 महीने बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कार्रवाई नियमानुसार जो भी उचित होगी सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। गाँव में ऐसा हो रहा है सर, राशन वितरण हो रहा है लेकिन उसमें अनाज कम दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई की जाती है, जहाँ भी कार्रवाई आती है तुरंत जाँच की जाती है। रसीद निकलना अनिवार्य है? अनिवार्य है, रसीद निकालना। दुकानदारों को बुला बुला के रोल ऑफिस में रखा हुआ, उनको दिया जाता है कि प्रिंट करके देते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं सर कि क्या। अभी कार्रवाई स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, रिपोर्ट देख ले रहे हैं, जैसा होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा।